भी मूर्तियों के प्रतिबंध को राष्ट्रीय कानून स्तर पर पहचान मिली है, ऐसा वक्तव्य महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि इस गणेश उत्सव को पर्यावरण पूरक बनाए। वहीं उन्होंने कहा कि बाप्पा की मूर्ति घरों में 2 फुट की, वही सार्वजनिक गणपति की मूर्ति 4 फुट की ही रखी जाए। पालिका ने 2012-13 में एक इनिशिएटिव लिया था कि गणेशोत्सव जो है पर्यावरण पूरक होना चाहिए। 2013 में महानगर पालिका ने एक कानून बनाया था और वह कानून को अब केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया और अपने कानून में महानगर पालिका का भी उल्लेख किया है। संपूर्ण देश में PUPP की गणेश मूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। PUP की जो मूर्ति है ये पानी में घुलती नहीं है, इससे भगवान की विडंबना भी होती है, अपमान होता है और कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी आहत होती है और जल स्त्रोत्रों पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है, जिसे जलचरों को और पानी के उन स्त्रोत्रों को जो तालाब में पुनः भरण का काम करते हैं बहुत बड़े प्रमाण में वे उसे प्रभावित भी करती हैं। महानगर पालिका के जिस कदम को हमने शुरुआत की थी उसे केंद्र ने आज राष्ट्र में कानून के रूप में परावर्तित कर दिया है। आपसे निवेदन है कि ईश्वर से आप गणेशोत्सव पर्यावरण पूर्वक बनाए, अपने घर में मिट्टी की मूर्ति की ही स्थापना करें। हम घर में जो मूर्ति बैठा ले वे 2 फुट से ऊंची ना हो और हम जो सार्वजनिक मैदान पर बैठा ले, सार्वजनिक स्थलों पर बैठा ले, सार्वजनिक मंडलों के माध्यम से बैठा ले वो 4 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मूर्तियाँ मिट्टी की ही होनी चाहिए। हम जो सजावट करें इस सजावट में भी हम थर्माकोल का और प्लास्टिक का वापर बिल्कुल ना करें, कारण यह भी पर्यावरण पूर्वक नहीं है और कानून के दृष्टि से दोनों के दोनों अपराध है। इस धरती के पर्यावरण को हमने बचाया तो हमारा जीवन सुरक्षित भी रहेगा और संरक्षित भी रहेगा, इसलिए पर्यावरण की रक्षा के दृष्टि से आप सभी लोग काम करें। हम गणेश जी को रोज निर्माल्य चढ़ाते हैं, ये निर्माल्य जल स्त्रोत्र में न फेंकें, हमारे घर में जमा रखें। महानगर पालिका के माध्यम से दोपहर के समय में आपके मोहल्ले से महानगर पालिका की गाड़ी घूमेगी और इन निर्माल्यों को एकत्रित करके उसे खाद में परावर्तित करने का काम करेगी, अर्थात देवताओं को अर्पित किया हुआ जो निर्माल्य है ये पैरों में ना पड़े, कचरे में ना पड़े और खाद के रूप में इस्तेमाल होकर के फिर से बगीचे में मिट्टी में मिल करके फिर से नई प्रकृति का सृजन कर सके, इस प्रकार का नियोजन महानगर पालिका ने किया है।